अंधा होते हुए भी वो अपना काम कर लेता है। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं कि ऐसा होते हुए भी ऐसा हो जाता है। जैसे अंधा होते हुए भी वह अपना काम कर लेता है, अंधेरा होते हुए भी एक उल्लू साफ साफ देख सकता है, अमीर होते हुए भी उसे सब्र नहीं है, बुढ़ा होते हुए भी वह दिन भर काम करता है। तो आइए देखिए फ्रेंड्स कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है क्योंकि अक्सर लर्नर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप बीइंग के साथ एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे अंधा होने के बावजूद भी, तो आप कहेंगे बीइंग ब्लाइंड। बुढ़ा होने के बावजूद भी, बीइंग ओल्ड, यानी बुढ़ा होने के बावजूद भी। अगर आपको कहना हो कि अमीर होने के बावजूद भी, तो आप कहेंगे बीइंग रिच। आइए फ्रेंड्स इन सभी बातों को एग्जांपल्स में समझें। अंधा होते हुए भी वो अपना काम कर लेता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बीइंग ब्लाइंड ही इज एबल टू डू हिज वर्क, यानी अंधा होने के बावजूद भी वह अपना काम कर लेता है। बुढ़ा होते हुए भी वह दिन भर काम करता है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बीइंग ओल्ड ही वर्क्स ऑल डे, यानी ज़ईफ होने के बावजूद भी वह पूरा दिन काम करता है। अमीर होने के बावजूद भी आपको सब्र नहीं है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बीइंग रिच यू हैव नो सेटिस्फैक्शन। अगर आपको कहना हो कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वह बकवास करता है या वह बेवकूफी वाली बात करता है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बीइंग एजुकेटेड ही टॉक्स नॉनसेंस, यानी पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वह बेवकूफी वाली बात करता है, उस्ताद होते हुए भी उसे कुछ नहीं आता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बीइंग अ टीचर ही नोज नथिंग, यानी टीचर होने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं पता है, उसे कुछ आता जाता नहीं है। फ्रेंड्स, कई बार इस तरह के सेंटेंसेस का मीनिंग के नाते भी होता है। जैसे तुम्हारा बॉस होने के नाते मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बीइंग योर बॉस आई ऑर्डर यू। सीनियर ऑफिसर होने के नाते मैं तुम्हारा ट्रांसफर करता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बीइंग अ सीनियर ऑफिसर आई ट्रांसफर यू। आइए फ्रेंड लास्ट में एक और कंसेप्ट बता दे जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर लिखा हो अंधेरा होते हुए भी एक उल्लू साफ साफ देख सकता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट बीइंग डार्क एंड आउल कैन सी क्लियरली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बीइंग के पहले बोला इट। जैसे मैंने कहा इट बीइंग डार्क एंड आउल कैन सी क्लियरली, तो आप सोचेंगे कि मैंने इट क्यों बोला। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप ऐसा सेंटेंस बोलेंगे जिसका सब्जेक्ट अलग अलग है, तो फिर बीइंग के पहले इट का इस्तेमाल करना होगा। जैसा कि पिछले सभी एग्जांपल्स में सब्जेक्ट एक ही था, जैसे अंधा होने के बावजूद भी वह दिन भर काम करता है, यानी अंधा भी वही है, काम भी वही करता है। अमीर होने के बावजूद भी आपको सब्र नहीं है, यानी अमीर भी आप हैं और आपको ही सब्र नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम बात इस सेंटेंस की करें तो अंधेरा एक अलग चीज है और उल्लू एक अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। तो जब सिचुएशन ऐसा हो कि पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरा वाला ना हो बल्कि अलग अलग हो, तो फिर आप बीइंग के पहले इट का इस्तेमाल करेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को समझ सकें। बारिश वाला दिन होने के बावजूद भी वह कॉलेज जाती है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि दोनों अलग अलग चीज है, बारिश वाला दिन अलग है और वह कॉलेज जाती है, ये बात अलग है। तो इसलिए इस सेंटेंस को मैं ऐसे नहीं कहूंगा बीइंग रेनी डे सी गोज टू कॉलेज, ऐसा कहना गलत है। इसका करेक्ट है इट बीइंग रेनी डे सी गोज टू कॉलेज, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।